हेलो माय ऑल सब्सक्राइबर्स एंड माय चैनल विजिटर्स, होप यू आर फाइन। आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में कि सिंपली सपोर्टेड बीम एंड फिक्स्ड बीम वेयर टू एंड्स आर फिक्स्ड एंड बोथ सिंपली सपोर्टेड एंड द फिक्स्ड एंड बीम आर बोथ आर इनफॉर्मली हैविंग इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इस दोनों में क्या अंतर है, इसकी मोमेंट में क्या फर्क पड़ती है, ये सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। चैनल में यदि आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी चीज़ का फायदा हो और जो भी वीडियो मेरा आने वाला नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहे, टाइमली मिलते रहे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आई एम इंजीनियर हरी। सो सी द कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टिव टू यूडीएल ऑन होल स्पेन एंड द अदर वन इज फिक्स्ड एंड बीम विथ यूडीएल ऑन द होल स्पेन। तो सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, बोथ एंड आर बोथ एंड्स आर अनसिंपली सपोर्टेड। इसमें क्या होती है कि द एंड्स आर फ्री टू रोटेट। जब फ्री टू रोटेट जब एंड्स होगी सिंपली सपोर्टेड में तो देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ मोमेंट्स विल बी जनरेटेड एट बोथ द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। वही फिक्स एंड में आप देखिए, दिस इज द फिक्स एंड। इसके दोनों एंड में एंड ए एंड बी आर फिक्स्ड। इसमें क्या होगा कि जब एंड इसकी फिक्स है तो ये दिस विल नॉट वर्टिकल डायरेक्शन में हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो या अपने एक्सिस पर ये रोटेट नहीं कर पाती है सिंस देयर एंड्स आर फिक्स। तो इसमें हमें तीन तरह के इसमें रिएक्शन जनरेट होंगे विच इज फिक्स्ड एंड। एक तो होगी आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी सपोर्ट पे, दूसरा एक जहाँ भी सपोर्ट एंड आप देख रहे हैं दोनों साइड में उस एंड पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस होगी और एक मोमेंट भी जनरेट होगी दोनों एंड पे। सो इन द फिक्स्ड बीम देयर विल बी थ्री काइंड्स ऑफ रिएक्शंस अवेलेबल एट द एंड्स। सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पे R1 एंड R2 जो टोटल लोड जो आप देख रहे हैं उसको दो से भाग कर दीजिए। W यदि पर मीटर है वेट इसकी और अगर लेंथ L है तो टोटल वेट विल बी WL और ऐसी दो से भाग कर दीजिए तो RA इक्वल टू RB विल बी RA इक्वल टू RB विल बी टोटल लोड टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2। ओके, दोनों सपोर्ट पर इक्वल होगी। लेट्स सी इसकी शियर फोर्स डायग्राम आप देख लीजिए। शियर फोर्स डायग्राम विल बी लीनियर वेरिएशन। शियर फोर्स डायग्राम विल बी लीनियर वेरिएशन जो मिड है बीम की उसकी लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगी और बीम के राइट साइड में नेगेटिव होगी एंड लीनियर वेरिएशन अप टू सेंटर में इसकी शियर फोर्स जीरो होती है और जो इसकी मैग्नीट्यूड है ऑर्डिनेट है ये क्या होगी रिएक्शन आर ए जो भी है और यहाँ आर भी है उसके बराबर होगी मीन्स लोड डिवाइडेड बाई 2 एंड एट द मिड वैल्यू विल बी 0। और सिंपली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मोमेंट सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपकी जो सेंटर में होगी सेंटर ऑफ द बीम और इसकी वैल्यू क्या होती है WL² / 8। W इज द लोड पर मीटर, L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट, उसको स्क्वायर कर दीजिए डिवाइड बाई 8 यू विल गेट
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द मीट ऑफ द स्पैन, और हमेशा ये क्या होगी, बीएम विल बी सैगिंग, ओके, बीएम विल बी सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। जो आपकी रिएक्शंस होती है आर ए इक्वल टू आर बी, ये आपकी हो जाएगी टोटल लोड डिवाइडेड बाय टू, ओके, और इसकी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होती है, मैक्सिमम बीएम, वो सेंटर में होगी और इसकी वैल्यू होगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, और दिस विल बी पॉजिटिव सैगिंग, ओके। फिक्स्ड बीम के बारे में देख लेते हैं कि इसमें शेयर फोर्स इन बेंडिंग मोमेंट क्या होती है। तो जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि इसकी डब्ल्यू पर मीटर आपकी इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड है, एल आपकी लेंथ है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह इसमें जो बेंडिंग मोमेंट है और जो शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स तो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही होगी बिल्कुल एज इट इज, बट इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है इट विल डिफर। आप जैसे देख लीजिए बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है आपकी एम ए एट द सपोर्ट ए एंड एम बी एट सपोर्ट बी, हियर द बेंडिंग मोमेंट एट एम ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट एम बी विल बी नेगेटिव, और इसकी वैल्यू होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ओके, हियर दूसरे एंड पर भी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होगी, और दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, और इसके सेंटर में जो होगी मिड ऑफ द स्पैन, जैसे आप देख रहे हैं सेंटर में इसकी वैल्यू होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24, ओके। शेयर फोर्स विल बी लीनियर वेरिएशंस इक्वल टू जो भी इसकी सपोर्ट रिएक्शंस है सबसे ज्यादा होगी, और इट विल बी ग्रेजुएटली रिड्यूस टू जीरो एट मिड एंड माइनस एस एफ एट एंड बी लीनियर, ग्रेजुअली लीनियर वेरिएशन फॉर द शेयर फोर्स डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमने जब दो बीम का हमने जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे दीज आर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बोथ द बीम, हियर ओनली वन सपोर्ट रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शंस, बट इन दिस बीम इन द फिक्स्ड बीम देयर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डेवलपिंग एट द बोथ एंड्स, और जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसकी होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, बट इस सेंटर में इसकी होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24, और इसके जो भी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके दोनों एज पर बेंडिंग मोमेंट 0 होती है, बट इन द फिक्स्ड बीम यू विल फाइंड दैट बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी will be minus W L square by 12। कई बार questions में आते हैं कि what is the ratio of bending moment at end and bending moment at the mid for the fixed beam with infinitely distributed load। Presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel। Please like and subscribe the channel।